Assalamu alaikum. Welcome to the Professional Academy. I am Muhammad Qasim. Aaj 10th lecture number 7. Isme humne padhna hai reactions of the acid. Reactions of the acids. Last time we have discussed the Bronsted-Dorey concept and Lewis concept. Acids kya hote hain? Humne kaha tha proton donor is the acid according to the Bronsted-Dorey, and electron acceptor is the acid according to the Lewis. और याद है आपको आर्किमिडीज में आपने क्या कहा? हाँ, आर्किमिडीज में हमने ये कहा था सब्सटेंस विच डोनेट द H+ इज कॉल्ड एज द एसिड. तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से एसिड क्या है एंड व्हाट इज द बेस. ठीक है, आपने मुझे बताना है. नेक्स्ट चलते रिएक्शंस ऑफ द एसिड्स की तरफ. एसिड जो है डिफरेंट, आपने एक टॉपिक में जब एसिड और बेस का डिफरेंस आपने पढ़ा था तो या तो आपको आपने एक कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड्स आर द क्रूसिव, एसिड कैन केमिकली रिएक्ट विद द अदर सब्सटेंसेस. तो हमने आज ये देखना है कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड है, एसिड सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्ट करता है. इसके साथ रिएक्ट करता है मेटल के साथ, यानी जिंक मेटल है. जिंक मेटल है और इसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड H2SO4. अब आपको ये पता है कि जिंक की वैलेंसी प्लस टू एंड सल्फेट की वैलेंसी माइनस टू है, प्लस टू. ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जिंक सल्फेट बना देंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. तो आपने क्या देखा, मेटल्स प्लस एसिड, इट इज अ सॉलिड, फॉर्म द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. ये बात आपको समझ आएगी पहली बात. अच्छा, ये जनरल रिएक्शन जो है ना, ये आपने याद रखना है. अगर आपको जनरल रिएक्शन आता होगा तो आप रिएक्टेंट बना लेंगे और प्रोडक्ट आपका खुद ही बनता जाएगा. लेकिन अगर आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे और मुसलसल कि नहीं, जिंक जब H2SO4 रिएक्ट करता है ये फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा कि मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एसिड के साथ, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनती है. एक और आप देखते हैं, दूसरा एसिड दे देते हैं, टू एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 6HCl से. देखिएगा जरा, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. अच्छा, AlCl3 क्यों बनाया? एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो आपको पता है कितनी है, 3 है, प्लस 3, -1 क्लोरीन की वैलेंसी है, तो 3 क्लोरीन मिलेंगे तो वैलेंसी बराबर होगी. 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहे हैं, 3 H2 गैस बन रही है. अब जरा देखिए ये कैसे बन रहे हैं. अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई बात, अभी आ जाइए. ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम, मैंने इनको दो एल्यूमिनियम लिख लिया. ये क्या है, HCl, ये क्या है, HCl. कितने HCl है, 6 HCl है, 3, 4, 5 एंड 6. अब देखिए इसकी वैलेंसी प्लस 3 है, इसकी वैलेंसी भी प्लस 3 है, इसकी वैलेंसी -1, -1, -1, -1, -1, -1. ठीक हो गया. अब ये जो एल्यूमिनियम है, ये 3 क्लोरीन यहां से लेगा और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा. ये एल्यूमिनियम, ये 3 क्लोरीन यहां से लेगा और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा. अब नेक्स्ट देखिए कि ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन करेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये सेकेंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, थर्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो अब आपको समझ आ गई कि कैसे बनेगा कि एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी के मुताबिक क्लोरीन को क्या करेगा,
लेगा और साल्ट बना देगा। देखिए मेटल एल्यूमिनियम इज द मेटल, HCl इज द एसिड, क्यों? क्योंकि H+ जनरेट कर सकता है, प्रोटॉन बना रहा है, ये क्या आपके पास साल्ट है और ये क्या हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब एक बात आपको पता चल गई क्या कि अगर आपके पास ये एसिड है और एसिड रिएक्ट करे किसके साथ रिएक्ट करे मेटल्स के साथ तो क्या बनाता है बताएं जरा मुझे सॉल्ट एंड प्लस H2S ये बात आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपके पास सेकेंड रिएक्शन क्या आपके पास रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स कार्बन के कंपाउंड को कार्बोनेट्स कहा जाता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखें HCl के साथ रिएक्शन क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl तो इसमें HCl के दो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे और क्या बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये गैस इवॉल्व हो गई। अब आपको नहीं पता चला होगा कैसे तो मैं आपको बताता हूं ये देखिए जरा ये कैल्शियम है ये क्या है कार्बोनेट पे कितने ऑक्सीजन है तीन तो दो मैंने ऐसे लिख लिए एक ऐसे लिख लिया बात तो वही है ना। अब देखिए इधर क्या है दो HCl है एक दो HCl आप देखिए ये H2 ये O लेंगे वाटर बना देंगे समझ आ गया मैंने क्यों ऐसा लिखा था हाँ ये इसकी वैलेंसी प्लस टू है इसकी वैलेंसी माइनस वन तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और ये रिएक्शन हो जाएगा बाकी क्या बस क्या कार्बन डाइऑक्साइड ये देखिए जरा अच्छा हाँ एक चीज मैंने लिखी कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड देखिए मैंने लिखा तो मुझे समझ आ गया मैंने क्या करना है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू बता रहा हूं ये आपने पेपर में बना के नहीं आना ये आप अगर बनाना भी चाहते हैं तो आप रफ वर्क लिख के बनाएंगे रिएक्शन आपने ये लिखना है तो अब आप जरा रिएक्शन मुझे बताएं कि कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड क्या बनाते हैं सॉल्ट प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक हो गया तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको इस साल्ट किसके साथ रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट के साथ इसके साथ कार्बोनेट के साथ तो क्या बनाएंगे सॉल्ट बनाएंगे क्या बनाएंगे सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसको रेज कर दिया जाए अगर आपने नोट करना तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं अब देखते हैं बाइकार्बोनेट के साथ कैसे इसके साथ बाइकार्बोनेट का एक एग्जांपल बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से रिएक्ट करता है टू सोडियम बाई कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करेगा चले पहले नहीं लिखते हैं बाद में लिखते हैं देखते हैं क्या करेगा NaH तो अलग अलग कर लो CO2O NaH CO2O ठीक है आप देखें इसको कर दें H2SO4 एक ही मॉलिक्यूल है चलो फिर इसको भी अलग अलग कर देते H और H SO4 अब देखिए सल्फेट की वैलेंसी कितनी है -2 सोडियम की कितनी है +1 तो ये दोनों आपस में मिक्स हो गए तो Na2SO4 बन गया ठीक है जी ये वाले दो सोडियम किससे मिल गए इससे ठीक हो गया। आप देखें ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके पानी भर लेंगे H2
अब ये दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके क्या बनाते हैं, पानी का दूसरा मॉलिक्यूल। और ये क्या आपके पास दो पानी दो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल बचे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या वाकई है जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है, तो इस केस मैंने आपको समझा दिया साथ साथ कैसे आपने करना, क्या है हमने रिएक्शन विद द बाइकार्बोनेट्स किसका, एसिड का। जब एसिड भी बाइकार्बोनेट के साथ एक्ट किया, सॉल्ट लाया, वाटर लाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे कार्बोनेट लिखा है, इसके नीचे मैं बाइकार्बोनेट लिख दूं। ठीक है, यहां पे क्या लिख देते हैं, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद द बेसिस, रिएक्शन विद द बेस। एसिड का रिएक्शन किससे है जी, बेस से। एसिड किससे रिएक्शन करेगी, बेस। तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए एसिड क्या है, HCl, बेस क्या है, NaOH। तो जरा बताएं, ये जो सोडियम है इस क्लोरीन को ले लेगा, क्या करेगा इस क्लोरीन को, तो NaCl प्लस H2O। तो यहां पे हम एक और लाइन खींच सकते हैं, और उस लाइन पे बताइएगा क्या लिख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या लिखेंगे हम यहां पे, यहां पे लिखेंगे कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करे, इससे रिएक्ट करे, बेस से रिएक्ट करे, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अच्छा आगे देखते हैं, एक और चीज भी है, अगला रिएक्शन, ये आप एक दो एग्जांपल गौर कर लीजिएगा। अगर एसिड एसिड रिएक्ट करे किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तब भी क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तब भी क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। अब देखिएगा एग्जांपल जो आपकी किताब में लिखी है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन आपके पास हो रहा है, ये H2O मिलके पानी बना देंगे, ये कॉपर सल्फेट से मिलेगा, तो क्या बना देगा, सॉल्ट कॉपर सल्फेट। ठीक हो गया, साथ क्या बना देगा, H2O पानी बना देगा। तो अब आपने यहां पे बेस लिखा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल के ऑक्साइड भी साल्ट और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। आपको समझ आ गई, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूं, नेक्स्ट करते हैं। लेक्चर को समझा करें, अच्छी तरह से समझा करें, प्रैक्टिस किया करें। केमिस्ट्री सो मच इजी है, पर अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस करने के मेथड स्किल्स मैंने आपको सिखा दी है, अब आपका काम है इसको डेली बेसिस पे क्या करना, प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन ऑफ द एसिड विद सल्फेट्स एंड बाइसल्फेट्स, ये सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। अच्छा, एक है आपके पास सल्फाइड्स और एक है आपके पास सल्फाइड्स, सल्फाइड्स सल्फाइड। अब जो सल्फाइड है, पहले हम इसकी बात करते हैं, यानी सल्फर का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, रिएक्शन विद द सल्फाइड। अब सल्फाइड में आपके पास एग्जांपल है कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 प्लस HCl, HCl के साथ एसिड रिएक्ट करता है, तो देखिए जरा कैसे रिएक्ट करेगा, 2HCl के साथ रिएक्शन अभी करवा लेते हैं, Ca SO2, इसे कर सकता हूं मैं, एक ऑक्सीजन को लग से लिख दूं, लिख दिया प्लस HCl, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए, ये दूसरा HCl है। अब देखिए जरा इसकी लेंथ है प्लस टू, माइनस वन माइनस वन, यहां पे दो HCl क्यों नहीं है, समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि इसकी लेंथ प्लस टू इसकी माइनस वन है, तो एक से तो काम नहीं चलेगा, दो लेने पड़ेंगे, समझ आए। तो ये वाला कैल्शियम,
ये दो क्लोरीन के साथ एक्ट करके क्या बना देगा, CaCl2। ठीक हो गया, अब आपको फिर समझ आ गई, सिंपल ये H2O बना देंगे और वो क्या रह गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो SO2 प्लस H2O, तो क्या है, सॉल्ट बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी प्लस वाटर बना, किसके रिएक्शन करवाने से, ये क्या है सल्फाइड्स, सल्फाइड्स के रिएक्शन करवाने से किसके साथ, एसिड के साथ। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अपने टेबल में कि आपने सल्फाइड यूज किया तो आपके पास सॉल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बना। अब सल्फेट देख लेते हैं, सल्फेट, अच्छा सल्फेट में SO4 होता है, ये SO3 था ना, अब SO4 होगा, क्या होगा SO4 होगा। अच्छा SO4 का एग्जांपल देखते हैं, सल्फेट, फेरस सल्फाइड चले, आपकी किताब में एक और एग्जांपल दी है सोडियम बाई सल्फाइड से, बाई सल्फाइड Na बाई SO3 इसका रिएक्शन दिया गया इसके साथ HCl के साथ। चले इसको भी मैं समझा देता हूं ये कैसे दिया गया, देखे ना रहा? इसमें दो क्यों नहीं आया, इसकी लेंथ प्लस वन थी ना, अब देखो Na H, ठीक है ऐसे लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको, O2O हो गया प्लस HCl, ये देखिए ये सोडियम इस क्लोरीन को लेगा और क्या बना देगा सोडियम क्लोराइड। अब ये देखें SO2 गैस, ये H, ये H दोनों मिले और ये ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना दिया H2। तो बाइसल्फाइड्स भी आपके पास आए, बाइसल्फाइड्स कर लें इसको, बाइसल्फाइड जब आपके पास आए सल्फाइड तो वही बना सॉल्ट सल्फर डाइऑक्साइड साथ क्या बन गया H2। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट आप देखो सल्फाइड के साथ फेरस सल्फाइड है FeS, FeS रिएक्ट करता है FeS प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है H2 SO4 के साथ, फेरस सल्फाइड H2SO4 से रिएक्ट करता है। अब कैसे लिखेंगे इसको, मैं ऐसे लिख लेता हूं प्लस H, तो ये हो गया SO4। तो अब जरा देखिएगा क्या होगा, ये प्लस टू है, ये नेगेटिव टू है, ये दोनों सबसे पहले रिएक्ट करेंगे आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे FeSO4 सॉल्ट बन गया। अब आगे देखें ये H2 है और ये S है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा H2S। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या इस सल्फाइड, सल्फाइड वो सल्फाइड था इसको का HSO3 वाला क्या था बाइसल्फाइड, सल्फाइड है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, इसमें कार्बन सिंपल वन है और इसकी लेंथ नेगेटिव टू है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, मुझे कैसे पता चला कि इसकी लेंथ नेगेटिव टू, ये देखिए जरा कि पैरिंग ने जाके सल्फेट से क्या रिएक्ट किया, सल्फेट की तो नेगेटिव टू होती है ना, तो मैंने रिलेटिव वैलेंसी से लॉग निकाल ली, इसकी कितनी है नेगेटिव टू है सल्फाइड। अब ये सल्फाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो सॉल्ट बनाता है प्लस क्या बनाता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो ये जो आपके पास गमला था बन गया जिसके अंदर शाखें निकली हुई हैं, एक पौधा निकल रहा है, तो ये आपने याद कर, ठीक है। अच्छा
अब नेक्स्ट देखें, ये तो हमने पढ़ लिया रिएक्शन ऑफ द एसिड मिनरल एसिड, और हमने यूजेस भी पढ़ना था यूजेस ऑफ एसिड्स। देयर आर थ्री मिनरल एसिड आपके पास हैं, नंबर वन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इनको क्या कहा जाता है? मिनरल एसिड। क्या कहा जाता है? मिनरल एसिड कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, लिख देते हैं, शायद कोई मेरे जैसा उसको समझ ही ना आए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है यूजेस ऑफ एसिड। सबसे पहले आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, पीएच से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, PHU, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड किंग ऑफ केमिकल्स, बादशाहों का बादशाह। मेरे उस्ताद क्या करते थे कि अगर आपने किसी इंडस्ट्री की, किसी मुल्क की इंडस्ट्री को जांचना हो, पहचानना हो, तो उसमें ये देखिए कि प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी होती है, क्योंकि जितना ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रही होगी इंडस्ट्री, उतनी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपके पास, ये किस काम के साथ है? नंबर वन, ये आपके पास फर्टिलाइजर्स बनाने के काम है। इससे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आपके पास बनते हैं, एक्सप्लोसिव्स बनते हैं, धमाका खेज मवाद बनता है, पेंट्स बनते हैं, अद्वियात बनती हैं, लेड स्टोरेज फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। आप ही कह रहे हो मोटरसाइकिल तो होगी, चलो कार की बात कर लेते हैं, थोड़े से अमीर हो गए तो क्या है, ये आपके पास बैटरी की प्लेट्स लगी हुई हैं, इनके तो मैम कुछ पानी था, है ना, होता है ना, कई बार आपको वैसे से फील करके आप फील करके ला फील करके ना, और आपको सबसे ज्यादा मुसीबत नजर आ रही होती है इसको फील करने में, इसमें पानी डाल दे, इसमें एसिड डलवा, ये करो वो करो, तो जो एसिड डलवाते हैं वो बेसिकली कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास एसिड है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मेरा ख्याल आपको आता होगा, H2SO4। अच्छा, नाइट्रिक एसिड। अब जो नाइट्रिक एसिड होती है, ये भी पेंट में, अद्वियात में, ठीक है, इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर ना डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कॉपर की प्लेट ली, इसके ऊपर डिफरेंट तरह के डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है, ये बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या कह जाता है कि इसके कॉपर प्लेट ली जाती है, इसके ऊपर शीशा रख दिया जाता है, या इसके ऊपर कोई भी ऐसी मेटल जो कि नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व ना होती हो उसे रख दिया जाता है, उसके अंदर डिजाइन को इम्प्रिंट कर दिया जाता है। जब एसिड फेंकते हैं तो एसिड उन्हीं जगह पर मेटल को क्या करता है? ईटअप कर देता है, और वहां पर खूबसूरत एचिंग, आंखों को बधे लगने वाले डिजाइन, दिलकश डिजाइन बन जाते हैं। अच्छा, आगे जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ग्रेट एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब आप सोच रहे होंगे एसिड काम, ये काम में इस्तेमाल होता है, ये टेनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, चमड़ा साफ करने के लिए, खाल जो होती है उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनको टेनिंग इंडस्ट्री में कलर्स करने के लिए, डाइज के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है आपके पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। आगे देखें एसिडिक एसिड, सिरका, जो आप अपने घर में जो चावल वगैरह खाते हैं उसमें डालते हो, भिड़के डक वगैरह को खत्म करने के लिए भी सिरका इस्तेमाल किया जाता है, वैस कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, भेड़ वगैरह जिसके डक को भी खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नेचुरल एसिड्स हैं आपके पास, स्टेरिक एसिड्स है, फलों में इस्तेमाल होता है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, चूंटियों के डंग में पाया जाता है, टोटैरिक एसिड अंगूर में होता है, यूरिक एसिड यूरिन में होता है, ठीक है, मालिक एसिड सेब में होता है, ठीक हो गया, स्टेरिक एसिड फैट में होता है। तो ये चीजें आपने याद कर लेनी है, ठीक है जी। टुडे लेक्चर कंप्लीट, ठीक है जी। तो आज हमने क्या सीखा है? रिएक्शन ऑफ एसिड सीखे हैं, मिनरल एसिड सीखे हैं, यूजेस सीखे हैं,
तो उम्मीद है आपको समझ कुछ ना कुछ आया होगा, नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा देखिए इस वीडियो को, क्योंकि अब तो कुछ भागने वाला नहीं है, आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, उसको समझिए, स्केच समझिए, रिएक्शन स्केच समझिए, तो आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म पता चल जाएगा कैसे चेंज होता है। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।